इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से बाकी जगहों पे कैंप हुआ, आज असद खान सोसाइटी में कैंप शुरू हुआ है। घरों से लोग निकल कर इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाएं, और साथ में हमारे बियामिन भाई है और मुजम्मिल भाई है, कादर भाई है, ये यहाँ के जो लोकल जो है सादिक भाई वगैरह, उनसे रابطہ कायम कर इस मेडिकल कैंप को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाकर कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन की सदारत में ये मेडिकल कैंप बहुत अच्छे कैंप हो रहे हैं। ये बियाबिन भाई, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी जमात का, समीला माड़े वाले हमारे सेक्रेटरी साहब, तिरुपुर घी वाले अशफाक पट्टेगिरी, पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि ये बीमारी अभी रुक रही है बीमारी, और हम पहला भी यही बोलते थे कि ये इलाज होने के पहला इधर आओ, HRCT कराओ और घर में बैठ के डरो ना, कोई बीमारी ख़त्म होने वाली है। ये एक्चुअली कोरोना नहीं बल्कि निमोनिया हो रहा है। निमोनिया का जो सेंटेंस है, लंग्स में पानी भर रहा है, उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक मार रहा है। तो वो पेशेंट डर के जो है ना घर पे डर रहा है और जा रहा नहीं शिवल हॉस्पिटल को। अगर इंशाल्लाह वो नहीं डर के अगर शिवल हॉस्पिटल को जाता है तो इंशाल्लाह उसे ऑक्सीजन लगाने में उसका इलाज भी हो रहा है। काफ़ी पेशेंट इंशाल्लाह हमारे बाहर निकल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर राजू सेठ और उनके अफराद जो अंजुमन से आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का एहसान है, अंजुमन के जो लोग हैं मेडिकल कैंप से काम कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, और मस्जिद कैफ तक भी पहुँचे हैं और यहाँ भी मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। और बेलगाम अंजुमन के तरफ से जनाब आसिफ राजू सेठ, इनके सदारत में काम शुरू हुआ। ये लॉकडाउन होते ही काम शुरू हुआ था। ये एक एक दिन करके काम बढ़ता चला गया। हर काम को सही तरीके से राजू सेठ साहब के सदारत में इसको पूरा करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर कामयाब हो गए, जैसे जमातों से लेकर आने से लेकर राशन किट पहुंचाने से लेकर अब ये मसला आकर पहुंचा बीमारी बढ़ने तक। जब बीमारी बढ़ गई तो अंजुमन के राजू सेठ साहब के सदारत में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवा कर वहाँ पर अपना काम चालू कर दिया। मैं राजू सेठ साहब के सदारत में समीउल्ला भाई, मैं गफूर भाई, अमजद भाई, अमीन पट्टेकरी, ये पूरी टीम अंजुमन की, राजा मुल्ला, फहीम भाई, ये पूरी टीम मिलकर अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया और ये काम बढ़ता चला गया। ऑक्सीजन आ गए, डॉक्टरों की टीम अपॉइंट की गई, हर जो पेशेंट आते हैं उनको रेफ़र करने लगे डॉक्टर से। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 100 से 150 पेशेंट घर में अपने आप आराम होने लगे, जिससे हम मेडिकल किट देकर भेज के उनका इंतज़ाम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गए। अब ये काम करते हुए थोड़े दिनों के बाद में ये होने लगे, इंतकाल होने लगे। फिर बरियल टीम जो डॉक्टर नबील साहब के इसमें बनी थी, वो टीम को लेकर चलने लगे। टीम के ज़रिए से काम होने लगा, तमाम लोगों का बरियल वहाँ पर होने लगा। ये बरियल करते वक्त में ऐसे भी चंद मौके आ गए कि हमको हमारे हिंदू भाइयों के बरियल के लिए भी बुलाया गया, क्रिश्चियन भाई के बरियल के लिए बुलाया गया। हमने ये अंजुमन के लीडरशिप में वहाँ पर जाकर भी अपने काम को अंजाम दिया है। और हम आज हमारा पेपर में पुडारी के अंदर एक ये आ गया कि अंजुमन इस्लाम रेडी रहेगा ऑक्सीजन देने के लिए। और हम तमाम हमारे बेलगाम के जनता को आह्वान करते हैं कि आपको कभी भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, मेडिकल या ऑक्सीजन की, तो अंजुमन इस्लाम आपके लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम आखिरी तक काम करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस काम के लिए हम तमाम को कबूल किया है। जब से इस वबा की शुरुआत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के अंदर जनाब आसिफ राजू सेठ साहब की निगरानी के अंदर एक टीम पूरे काम को लेकर खड़ी हुई है। और जब से काम करने के वक्त से, फर्स्ट डे से, जो भी चीज़ की ज़रूरत आती गई वक्तन फ़क्तन उस काम को पूरा करते गए। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन लाए, जब डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टरों को ला अरेंज कर जब पेशेंटों को उनको डॉक्टरों से मिलाते गए और काम को अंजाम देते गए, दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़िले बेलगाम वालों से यही दरख्वास्त करता हूं कि आज भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई सिम्टम्स आते हैं, तो घबराए नहीं, डरे नहीं। जहां भी हमारे मेडिकल कैंप हो रहे हैं वहां आएँ, डॉक्टरों से राबता करें। थोड़ी सी तकलीफ़ के अंदर
अपने आप को डॉक्टर के सामने पेश करें, मसले को ख़त्म करें, बीमारी को अपने अंदर बढ़ने न दें। मैं तमाम ज़िले वालों से और शहर बेलगाम से जहाँ जहाँ कैंप हो रहे हैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टरों से रबता कायम करें, और सबसे ज़्यादा मैं तमाम पूरी जो टीम काम कर रही है इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज असद खान कॉलोनी में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया है। एक कैंप का मुनक़द करना, इसका मकसद ये है कि मोहल्ले मोहल्ले में जो भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं मोहल्ले के, वो लोग अच्छी तरह से पेशेंट को पहचान सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि तीन रोज़ से बिल्कुल एक भी कोविड का एक भी जो है कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने जो काम किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ज़रिए से हो या घरों में ट्रीटमेंट के ज़रिए से हो, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा को, इस बीमारी को इस दुनिया से और हिंदुस्तान से और शहर बेलगाम से जल्द ख़त्म फरमाए। मैं अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त दिया है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खिदमत करने में इनको अल्लाह काम ले, और हमारे इधर जो ये अपना सदका सोसाइटी जो जमात है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबको इस्तकबाल किया। बस अल्लाह, आज अंजुमन के जानिब से इधर मेडिकल कैंप चल रहा है, इसमें हम लोग सर्दी खांसी बुखार ऐसे केसेस देख रहे हैं और उस इलाज भी कर रहे हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करके फर्दर उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे हम लोग। ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है इधर सर्विस देने का असद खान सोसाइटी के तरफ से। मैं असद खान सोसाइटी का और अंजुमन इस्लाम की शुक्रगुजार हूँ। तो लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और मास्क पहनने का जो है कस्टम हमेशा फॉलो रखें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हम सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स कम हो रहे हैं तो हम जो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें। जो इंसिडेंसेस कम हो रहे हैं उसकी यही वजह है कि हमने अब तक जो है ना इत्यादि जो अमल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क पहनना है, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए जो है इंसिडेंसेस कम आ रहे हैं। लेकिन अगर वापस से लोग अपना जो है रूटीन आजमाएंगे, विदाउट मास्क घूमेंगे या मार्केट में बिला वजह जाएंगे, तो हो सकता है इंसिडेंसेस और बढ़े। और लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके छोटे मोटे बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, अपने फैमिली डॉक्टर को अप्रोच करें, और जहाँ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है जैसे कोई टाइफाइड, डेंगू है या एक्सरे है, उसको करवाएं, डरे नहीं उसके बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो है इदारे इसको अंजाम देने में अपनी कोशिश में लगे हैं। अगर डर के बैठेंगे तो हो सकता है कि बीमारी लास्ट स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे कुछ भी करना मुनासिब ना रहे। तो जल्द से जल्द जो है शुरुआती जो भी छोटे मोटे मर्ज है उसको अपने फैमिली डॉक्टर को जाके बताएं और उसका ट्रीटमेंट मुहैया करें। कुछ नहीं, हमें एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और अपना हाइजीनिक रखना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करके ये करना चाहिए आपको, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए आपको। हर इसका इलाज है, भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कैंप है, आपको कुछ भी तकलीफ है तो आगे दिखा सकते हैं आपको। कैंप फ्री है, आज और कल दो दिन है।